हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी मैं आई हूँ, सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। क्यों सोच रही हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये चार लड़के चंक्स लिए हैं और शेप्स ड्रा है। ये आई थिंक सो डैम सा कुछ होगा, ये भी एक तरह डैम सा होगा। काफ़ी हद तक ड्रा है ये तीन टेक्सचर्स, तो मैं इनकी वीडियो तो रिकॉर्ड कर लूँगी। लेकिन सही असली टेंशन ये है, येलो स्टोन क्रश। ये रेड डॉट जो मैंने न्यू वाली बनाई है, अब ये ड्राई होने का नाम ही ले ली। इसका कलर बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, डार्क रेड। कैमरे में भी सही नज़र नहीं आ रहा। और ये है रेड स्टोन क्रश, मतलब कि रेड ग्रीनी टेक्सचर। और ये रेड कंक्रीट टेक्सचर, ये भी काफ़ी हद तक दोनों ड्राई हैं, लेकिन वो जो है वो डैम्प है और धूप आज ज़रा भी नहीं है दिखे, वरना दीवार पर आपको शेड नज़र आ जाता होता है। और टेक्सचर की हालत है, ये एक स्टोनी सैंड का टेक्सचर कल रह गया था, ये बनाया नहीं है। और वो मैं ग्राइंड कर रही थी ना स्टोन्स, मैंने यहाँ पर भी थोड़े से किए थे। ये इसके अंदर है। किसी ने कमेंट किया हुआ था कि ये स्टोन पहले की तरह वाइट नज़र नहीं आ रहे, मतलब इनको धो लें आप। इनको धोने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कलर इसके ऊपर ना चिपक गया हुआ, स्टोन के ऊपर बिल्कुल। तो इसको धो के भी कोई फ़ायदा नहीं होना, ये ऐसे ही रहेंगे। ये सीमेंट आई हुई, थोड़ा ड्राई है, थोड़ा डैम्प है। अब ये सैंडमेंट, सैंडमेंट का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ डैम्प है। और ये रहा जी, क्या है इसका नाम, ब्लैक स्टोन क्रश। ये भी कहीं से गीला, कहीं से सूखा। और ये डर्ट वाला टेक्सचर, ये भी फुली ड्राई होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब तो मुझे लग रहा है आजकल अब धूप भी नज़र नहीं आएगी, नाम की भी नहीं नज़र आएगी, क्योंकि दिसंबर का मिड है, तो अब सिलसिला जो है ना इसी तरह रहना है जनवरी ख़त्म होते तक। वो देखिए, पूरे के पूरे टेक्सचर्स गीले हैं, उनको ज़रा भी ऊपर मतलब हवा नहीं लग रही। हालांकि वो परसों के बने हैं दोनों, ये भी और ये भी, ये वाले दो कल बने हैं, लेकिन फ़र्क किसी में कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है सारे अभी भी बनाए हैं। और ये स्टोनी सैंड अभी रहती है बनाने वाली। तो आज मैं ये तीन चार को, हाँ मैं ये कह रही थी, मैं ग्राइंड कर रही थी तो मामा ने बोला कि इसको छोड़ दो, इतनी मेहनत क्यों करनी है, तो न्यू मंगवा लो। मैंने कहा चल न्यू मंगवा लेते हैं, इसको फिर मैं पैक करके कहीं साइड पर रख लूँगी, यही हो सकता है। मैंने पहले सोचा था कि मैं ना इन स्टोन्स को ना इसमें न्यू सैंड मैंने निकाली है स्पेशल यूजिंग, तो मैं सैंड में डाल लेती हूँ और चारकोल में मैं न्यू मंगवा के डाल लेती हूँ, क्योंकि ये बड़े बड़े हैं ना साइज में, तो ये सैंड में ना हार्ड नहीं होंगे, सैंड सॉफ्ट रहेगी। लेकिन ना फिर मैंने वही बात की इस पर ना, मैंने जब देखा ना कि इन पर कलर ब्लैक हुआ है सारा, तो मैंने कहा इसको सैंड में डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, डालते भी सेफ्टी करनी पड़ेगी, बीच में वाइट नज़र ही नहीं आएंगे क्योंकि ब्लैक हो गए मेरे चारकोल की वजह से। तो ये कहीं और जुगाड़ कर लेंगे, तो मैं न्यू मंगवाऊँगी, वेट कर रही हूँ। टाइम नहीं मिल रहा ना भाई को, और ना मैंने अभी उसे कहा ही नहीं, मुझे जहन में नहीं रहा। तो बस अब अपना काम शुरू करते हैं, और फिर बनाएंगे टेक्सचर्स। हाँ, कितनी ज़िंदगी मसरूफ है कि कुछ पल का भी सुकून नहीं है। हाय हाय, अब बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हो रही है, तो अब जाहिर है हम भी टाइम जो है चेंज करेंगे, क्योंकि रात हो जाती है फिर इधर ही उनको, तो वो भी सुबह आएंगे 10 बजे 11 बजे। और उससे पहले पहले मुझे अपना ये काम ख़त्म करके जाना पड़ेगा, और जाके भी सांस भी नहीं निकलेगा, वो आ जाएंगे। किसी ना किसी तरफ कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। चलो मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर लूँ ये तीन, उसके बाद देखती हूँ कि नेक्स्ट क्या सीन है। टाटा।